उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट के अंतर्गत वन विभाग के गश्ती दल ने 20 अगस्त की रात्रि में ग्राम कन्हारी से वन्य प्राणी घोरपड़ का शिकार करके उसका मांस पकाते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी विभाग की ओर से तलाशी की जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर सामान्य वनमंडल उकवा वन्य क्षेत्र के अंतर्गत हिल गश्ती दल के द्वारा भ्रमण किया जा रहा था। इस दौरान उन्हें कन्हारी में वन्य प्राणी घोरपड़ का शिकार कर उसका मांस पकाते हुए 5 लोग दिखाई दिए, जिन्हें वन अमले के गश्ती दल ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि आरोपियों ने कुत्तों के माध्यम से हाका करते हुए घोरपड़ को पकड़ने के बाद उसका मांस पकाया। इस पूरे मामले में 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है, जो मौके से फरार हो गए थे। कल रात दिनांक 20/8/2020 के साय में हमारी जो फील्ड स्टाफ है गश्ती के दौरान गश्ती कर रहे थे, तो उनको सूचना मिली कि ग्राम कन्हारी के लोगों ने शाम को उससे लगे हुए वन क्षेत्र 1257 में कुत्तों से हाका करा के घोरपड़ या वो भी बोलते हैं अंग्रेजी में मोनिटर लिजार्ड है, उसका शिकार करके मांस उसको मांस काटने के बाद आपस में बांटने के बाद अपने घरों में ले जाके पका रहे थे, जिसकी सूचना हमारे गश्ती दल को मिली। मौके में जाके पकाते हुए या पका हुआ मांस को जब्त किए हैं और इस प्रकरण में मौके पर 5 लोगों को जो ग्राम कन्हारी के हैं उनको हिरासत में ली हैं, पूछताछ कर रहे हैं और उन्हीं के पूछताछ के दौरान 2 आरोपी और हैं जो फरार हैं, जिनके अभी कार्रवाई जारी है, पकड़ने की कार्रवाई जारी है। जिला अस्पताल बालाघाट की ट्रूनाट लैब एवं ICMR लैब जबलपुर से 20 अगस्त 2020 को देर रात्रि में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 11 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 20 अगस्त को ही डिस्चार्ज कर दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 20 अगस्त को जिन मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से एक मरीज 40 वर्षीय पुरुष एवं एक मरीज 27 वर्षीय युवक है। यह दोनों मरीज बिरसा तहसील के ग्राम भीमजोरी के हैं और नेपाल से कार द्वारा वापस आए हैं। एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम कनकी का 36 वर्षीय पुरुष है, जो 13 अगस्त को चेन्नई से नागपुर होते हुए वापस आया है। 3 मरीज मोती विहार कॉलोनी बालाघाट के हैं, जो 12 अगस्त को हैदराबाद से वापस बालाघाट आए हैं। वहीं 2 मरीज लांजी तहसील के ग्राम खजरी के 21 एवं 19 वर्षीय युवक है, जो 17 अगस्त को हैदराबाद से वापस आए हैं। एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम बोथली का है, जो 17 अगस्त को नागपुर से आया है। एक मरीज वारासिनी तहसील के ग्राम पिपरिया का 31 वर्षीय पुरुष है, जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आया था। एक मरीज लालबर्रा की 55 वर्षीय महिला है, जो 5 अगस्त को काटी बिरसुला से आई है। इन सभी 11 मरीजों को उपचार के लिए ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक 233 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 168 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद जिले में सड़कों का कचूमर निकल गया है। कीचड़ से लथपथ सड़कें वाहन चालकों के लिए हादसों का कारण बन रहे हैं। तो वही कटंगी वारासिनी मार्ग के हाल तो बद से बदतर हो गए हैं। वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य के बावजूद इस मार्ग का अब तक नहीं बनना जहां सवालों को जन्म दे रहा है, तो वही लोगों के लिए यह मार्ग किसी विडम्बना से कम नहीं है। आज़ादी के 74 बरस बाद भी क्षेत्र की जनता को अब तक गड्ढा नुमा और बारिश से सराबोर इस सड़क से निजात नहीं मिल पाई है। वाहन चालक जब इस मार्ग पर निकलते हैं तो सर्कस के करतब भी इनके सामने कम दिखाई देते हैं। वहीं कई लोग इस मार्ग की बदहाली के कारण असमय अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 15 वर्षों के भाजपा शासनकाल की ही बात करें तो इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा भाजपा विधायक को ही प्राथमिकता दी, लेकिन उनकी प्राथमिकता में यह मार्ग कभी भी नहीं आ सका और न ही जिले के जनप्रतिनिधियों ने कभी इस मार्ग की सुध ली। कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में भी इस मार्ग की अनदेखी ही हुई है। लिहाजा लोग आज भी बारिश के बाद इस मार्ग की समस्या के सामने अपना सिर पीटने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
नाव जो लाए हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं, पूरे व्यापारी जब बहुत सालों से जब अपनी गुहार लगा चुके हैं शासन प्रशासन से और मतलब जनप्रतिनिधि से, जब वो अपनी उम्मीद हार गए, आखिरी में क्या करें, व्यापार करना जरूरी है अपना घर चलाने के लिए, आखिरी में इसलिए हमको ये नाव ला के यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि ताकि हमारे ग्राहक नाव के माध्यम से दुकान पर आए और हमसे सामान खरीद के निकले और उससे हमारा व्यापार चलता रहे।